जैसा कि आपको पता है कि पूरे देश के अंदर बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र की सरकार पूरी तरह से नतमस्तक है, परंतु ईमानदारी और दृढ़ निश्चय का प्रमाण पूरे देश के अंदर आम आदमी की सरकार जो दिल्ली के अंदर जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, हम आपको बताते चलें कि दिल्ली के अंदर आज देश का दिल दिल्ली विश्व स्तर पर एक नई पहचान बनाने जा रहा है। हमारे उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया जी ने कल जिस तरह से रोजगार विकास को लेकर देश के सामने दिल्ली सरकार का विजन रखा, आप उसे अनुमान लगाइए कि दिल्ली देश की राजधानी आज विश्व स्तर पे जिस पहचान को लेकर चल रही है, नौजवानों को लेकर रोजगार के जो नए साधन जुटा रही है और कला संस्कृति को भी एक नई पहचान दे रही है। हम आपको बताते चलें कि 5 ने रिटेल मार्केट का पुनर्विकास दिल्ली सरकार करने जा रही है, जिसके तहत आने वाले 5 सालों में 20 लाख नए रोजगार के साधन युवाओं को मिलेंगे। उसी के साथ साथ फूड हब, फूड ट्रक पॉलिसी, ये तमाम पॉलिसीज दिल्ली की सरकार इनका पुनर्विकास करने जा रही है। और फूड ट्रक पॉलिसी जो है ये अमेरिका और यूरोपियन सिटीज के तर्ज पर किया जा रहा है, और इसे दिल्ली की अर्थव्यवस्था को तो मजबूती मिलेगी ही मिलेगी, रात्रि की दिल्ली की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत दिशा मिलने जा रही है। हम बात करें जम्मू के बाजारों की, रघुनाथ बाजार जो 150 साल पुराना डोगरों का धरोहर है, उस बाजार की आज आप हालत देख सकते हैं, जहां पे एक रंग के मार्बल लगाना था, जहां पे बिजली और पानी की व्यवस्था अंडरग्राउंड होनी थी और तमाम दुकानों के शटर एक जैसे होने थे, आज वो विकास कार्य अधर में लटका हुआ है।